हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषा किचन। आज हम बनाते हैं पंजाबी लस्सी। शुरू करते हैं लस्सी बनाना। देखते हैं लस्सी में क्या क्या चाहिए। 500 ग्राम दही, ये मैंने घर का जमा हुआ लिया है। 1/3 कप चीनी, ये मैंने मेजरिंग कप से लिया है। काजू, बादाम, ये थोड़ी सी किशमिश। हम शुरू करते हैं लस्सी बनाना। इसमें हम चीनी को डाल लेते हैं। चीनी आप आपकी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ी सी रख लेती हूँ, टेस्ट के अनुसार देख लेंगे हमें कितनी कम या ज़्यादा चाहिए। ये इसमें इसको मैं एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। आपको देखिए, हम इसको, ये मथनी है सबके पास मिल जाती है, हम इसे इसको ऐसे इसी तरह से हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। जब तक हमारी पूरी चीनी मेल्ट हो जाएगी तब तक हमें इसको इसी तरह से मैश करना है मथनी से। फिर चीनी लगभग भुन गई है, मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ। थोड़ा सा मीठा कम है तो इसमें ये बचा हुआ है इसको मैं डाल देती हूँ। ये देखो लस्सी बिल्कुल तैयार हो गई है एकदम। और हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे हमारी लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी इस तरह से एक बनाइए और ट्राई कीजिए। ट्राई करके बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी लस्सी कैसी बनी। तो हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ग्लासों में नीचे डाल लेते हैं। ये देखो काजू, बादाम, ये बाद में डेकोरेट करके डालूंगी डेकोरेशन के लिए। ये देखिए हमारी लस्सी कितनी थिक बन के तैयार हुई है। बिल्कुल थिक लस्सी बन के हमारी तैयार होगी। इसमें डेकोरेशन के लिए डाल देते हैं थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी बादाम। आप चाहे तो इसके अंदर जेली, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी लस्सी कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई है। आप भी इस तरह इस लस्सी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी लस्सी कैसी बनी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।